अस्सलाम वालेकुम। ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है रुकनुद्दीन का, लेकिन इनके जो मकानात हैं बिल्कुल बैक साइड पर हैं, और ये फ्रंट साइड पे जो आपको मकान नज़र आ रहे हैं ये मेन रोड 90 मीटर पर चाइना कटिंग हुई हुई है और अरसा दराज से हुई हुई है। और मज़े की बात ये है कि इससे थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल इसके अपोज़िट सुरजानी थाना है। ये सुरजानी टाउन सेक्टर 10-1 है, 10-1। यहाँ मेन रोड पर 400 गज की एसबियाँ हैं जिस पर कब्ज़ा करके 120 गज की कटिंग करके चाइना कटिंग कर दी गई है। और ये सुरजानी का मेन 90 मीटर रोड है, इस मेन रोड पर चाइना कटिंग की गई है। आवाम भी लेने वाली बेवकूफ़ है, उसको नज़र नहीं आ रहा कि मेन रोड पर चाइना कटिंग, और ना हुकूमत के किसी इदारों को नज़र आ रहा भी है, बल्कि उनकी ताउन से ही सारा काम हो रहा है। वरना तो आप अपना प्लाट ही बनवाने खड़े हों तो उस पर बजरी डालने के भी पैसे देने पड़ते हैं चालान के तौर पर। और अब ये चाइना कटिंग हो रही है गवर्नमेंट की नाक के नीचे, तो ये क्या है? नस्ला टावर गिरा दिया गया शाहरा फैसल पर, जब इतना बड़ा बन रहा था जब किसी ने नहीं रोका। तो हमारे यहाँ जब बुराई हो रही होती है, जब कोई नहीं रोकता, जब हो जाती है तो हुकूमती इदारे भी आ जाते हैं और आवाम भी खड़ी हो जाती है रोने पीटने के लिए। ये सुरजानी टाउन का सेक्टर 7B मेन रोड 90 मीटर पे चाइना कटिंग हुई हुई है। और ये देखें आप, रोड का बुरा हाल है। जो मेन रोड है आने जाने का, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ चाइना कटिंग करके करोड़ों रुपए के प्लाटों की, ये भी एसबीआई है कमर्शियल 400 गज की, इसकी 120 की कटिंग करके और चाइना कटिंग करके बना दिया गया है। और रोड की हालत आपके सामने है कि रोड बनाने वाला कोई नहीं है। ये 90 मीटर मेन रोड है सुरजानी टाउन का, उसकी ये हालत है आप देखें। तो बस इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, हर जगह करप्शन, दो नंबरी फ्रॉड, धोखा सरेआम हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।